हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चले क्लास स्टार्ट करते हैं। माजे साहिलो जल्दी से क्लास को, है ना। और देखिए कितनी क्लास हमारी है, देख लीजिए। सुबह 9 बजे क्लास होती है जीके एक्सप्रेस की क्लास, जहां पर हम 10 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस करते हैं। ये क्लास आज 10 बजे हो रही है, चिंता मत कीजिएगा। 12 बजे होगी हमारी जीके की थ्योरी क्लास, 3 बजे होगा हमारा जीके का क्वेश्चन आंसर क्लास, 6 PM होगा जीके का क्वेश्चन आंसर क्लास, और 9 बजे होगा जीके खजाना। ये 5 क्लासेस हमारी एवरीडे डेली चलती हैं, डेली मतलब डेली, ठीक है। एक दूसरा, अगर अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? संदीप सर जीके ऑफिशियल, ठीक है। संदीप सर जीके ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, और इसको आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। 1,02,000 से ज्यादा लोग यहां पर जुड़े हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, और जो भी चीज वहां पर मिलती है वीडियो स्क्रीनिंग वगैरह, वो आप बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, समय बर्बाद नहीं करते। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या है? मंदाकिनी किस मुख्य नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी गंगा, यमुना और कावेरी। मंदाकिनी इज रिलेटेड टू विच मेन रिवर? मंदाकिनी जो है मैयर, वो अलकनंदा से रिलेटेड, वीडियो लाइक जरूर करते चलना मैडियर। मंदाकिनी जो है वो अलकनंदा नदी से संबंधित है, ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, किस दिन को विश्व दूर संचार दिवस में मनाया जाता है, विश्व दूर संचार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड टेलीकॉम डे? 17 मई, 18 मई, 19 मई और 20 मई। आंसर इज 17 मई, वर्ल्ड टेलीकॉम डे 17 मई को सेलिब्रेट करते हैं मैडियर। अगला सवाल, वर्ना और असी नदियों के बीच बसा हुआ शहर कौन सा है? वर्ना और असी दो नदियां हैं जिनके बीच में एक शहर बसा है जिसे वाराणसी कहा जाता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत वंदे मातरम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? जो वंदे मातरम गीत है मैडियर, वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, एक। दूसरा, ये जो गीत है पहली बार 1896 में, कब 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और ये बेसिकली आसामी लैंग्वेज में है। किस लैंग्वेज में है? आसामी लैंग्वेज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले और अंतिम है? एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स, विच स्टेट इज फर्स्ट एंड लास्ट इन एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स? आंसर इज ए केरला एंड बिहार, फर्स्ट इज केरला, सेकंड इज बिहार, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? सेंट्रल एक्साइज डे इज सेलिब्रेटेड 23 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी एंड 26 फरवरी। आंसर इज 24 फरवरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक द इन्वेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? हु रोट द फेमस बुक द इन्वेंट्रेस ऑफ द फ्लोरेंस, हु हैज रिटन दिस? तो ये जो किताब है ये लिखा है फैज अहमद फैज, सलमान रश्दी, देवानंद, या इनमें से कोई नहीं। आंसर इज सलमान रश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दिवस वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेटेड, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च एंड 18 मार्च। आंसर इज 15 मार्च, 15 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निरोध दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेटेड, जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है कब सेलिब्रेट करते हैं? 28 मई, 29 मई, 30 मई एंड 31 मई। आंसर इज 31 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत अमीर खुसरो किस भाषा में लिखते थे? जो सूफी संत थे, इन विच लैंग्वेज डिड सूफी संत अमीर खुसरो रोट? हिंदी, उर्दू, संस्कृत एंड फारसी। तो किस भाषा में लिखते थे सूफी संत अमीर खुसरो? जो थे वह हिंदी भाषा में लिखा करते थे। अगला सवाल, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस
कब मनाया जाता है? When is National Statistics Day celebrated? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून, 28 जून, 29 जून एंड 30th जून. आंसर इज 29th जून. नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु किस देश में है? Which country has the longest sea bridge in the world? China, Japan, Nepal and India. Answer is China. Next question. विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? When is World Hydrography Day celebrated? 20th June, 21st June, 22nd June and 23rd June. Answer is 21st June. Next. पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता कब दी? When did Pakistan recognize Bangladesh? 26 मार्च 1971, 26 जैन 1948, 15 अगस्त 1960 एंड 15 अगस्त 1965. आंसर इज 26 मार्च 1971. नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कहां स्थित है? Where is the International Criminal Court located? Paris, London, Hague and Amsterdam. International Criminal Court जो है कहाँ है? Hague में है. Next question. Radar का आविष्कारक कौन है? Who is the inventor of radar? Robert Watson, Dr. Martin Cooper, Ray Thomson. इनमें से कोई नहीं. Radar का आविष्कारक कौन है? Robert Watson. Next question. Railway का जोन मुख्यालय हाजीपुर किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द जोन हेडक्वार्टर ऑफ द रेलवे हाजीपुर लोकेटेड? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल एंड डी महाराष्ट्र. आंसर इज बिहार. नेक्स्ट, भारत के किस एक राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड केरला. विच वन स्टेट ऑफ इंडिया हैज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश? आंसर इज नागालैंड. ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड इज इंग्लिश. नेक्स्ट, सिविल सेवाएं भारतीयों के लिए कब प्रारंभ की गई? व्हेन डिड सिविल सर्विस स्टार्ट फॉर इंडियंस? 1875, 1853, 1865 एंड 1893. आंसर इज सिंपल 1853. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेडियो प्रसारण कब हुआ? When was the first radio broadcast in India? 1924, 1925, 1927 and 1929. Answer is 1927. Next question, भारत में निजी क्षेत्रों में रेडियो स्टेशन कहां स्थापित किया गया? Where was the radio station set up in the private sector in India? Bangalore, Pune, Mumbai and Lucknow. कहां पर है? तो भारत में निजी क्षेत्र में रेडियो स्टेशन कहां स्थापित किया गया? बेंगलोर. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कहां पर है? वेयर इज द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? सॉरी, व्हेन, भारत में कहां पर नहीं, वेयर, कब हुई है ना. वेयर वॉज द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? 1959, 1960, 1961 and 1962. Answer is 1960. Next, Film and Television Institute कहाँ है? मुंबई, न्यू दिल्ली, पुणे and बेंगलोर. Answer is New Delhi. Okay, कहाँ पर है ये आपका, कहाँ पर है? No, sorry, New Delhi कहाँ से आ गया? नहीं, पुणे आंसर होगा ना इसका, पुणे में है. कहाँ पर है? पुणे में. Next question, भारत में मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है? Who is as known as मेट्रो मैन ऑफ इंडिया? श्रीधरन, डॉक्टर कलाम, स्वामी विवेकानंद और नोटा. Who is as known as मेट्रो मैन ऑफ इंडिया? आंसर इज श्रीधरन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएम का यूज भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? जो ईवीएम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, व्हेन डिड ईवीएम यूज स्टार्ट इन इंडियन इलेक्शन? 1987, 1991, 1993 and 1998. Answer is 1998. Next question, Sardar Vallabhbhai Patel Hawaii Adda kahan hai? Where is Sardar Vallabhbhai Patel Airport? Ahmedabad, Pune,
मुंबई एंड नई दिल्ली, सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट कहां पे है? अहमदाबाद में है। नेक्स्ट, एशियान किन देशों का संगठन है? एशियान ही आसियान होगा, आसियान किन देशों का संगठन है? तो आसियान जो है वो साउथ ईस्ट नेशंस है, जो 10 कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट नेशंस उनका ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किन्हें माना जाता है? हु इज एज नोन एज पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? ऑप्शन, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, मुरली दास नोटा। आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद के अध्यक्ष कौन है? द चेयरमैन ऑफ नेशनल लैंड रिफॉर्म काउंसिल। नेशनल लैंड रिफॉर्म काउंसिल के चेयरमैन कौन है? होते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नर। आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन वेदों की ओर लौटो? इंग्लिश में बोलते हैं गो टू वेदास, गो टू वेदास। आंसर इज स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, ताशकंद समझौते से भारत के कौन प्रधानमंत्री रिलेटेड हैं? विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज रिलेटेड टू ताशकंद अग्रीमेंट? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, नोटा। इनमें से कोई नहीं, आंसर इज लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई? इन विच ईयर रविन्द्रनाथ टैगोर डाइड? 1921, 1931, 1941 और 1951। आंसर इज 1941। डन, चलिए ये हो गया हमारे कितने, आज हमने 32 क्वेश्चंस किए हैं। क्लियर है, आज हमने 32 क्वेश्चंस किए हैं। और अभी जिसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में दूंगा, क्योंकि होगा क्या कई बार मैं टीम को बोल देता हूँ कि पीडीएफ टेलीग्राम में डाल देना, वो नहीं डाल पाते बाय मिस्टेक से, ऑलरेडी उनके पास विशेष काम होते हैं, तो मैंने ऐसे पीडीएफ डालने का काम मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे जो पीडीएफ डालने का काम है टेलीग्राम में मैं करूंगा। अभी क्लास तुरंत क्लास हो गई ना, आज ये वाली पीडीएफ जो है 9 बजे वाली की, और जो कल 9 बजे क्लास हुई थी, ये दोनों पीडीएफ अभी मैं टेलीग्राम में दे रहा हूँ आपको। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? संदीप सर जी के ऑफिशियल, है ना। आप जाके फटाक से ज्वाइन कर लीजिए, संदीप सर जी के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, आप फटाक से ज्वाइन कर लीजिए जाके ग्रुप को टेलीग्राम में। ठीक है, मैं अभी जस्ट इसकी जो लिंक है पीडीएफ दोनों है वो आपको टेलीग्राम में दे रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं 12 बजे, बहुत ही खूबसूरती से एक और थ्योरी टॉपिक करेंगे, और सारी क्लासेस देखिए, अच्छे से देखिए। बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो हमारी खजाना वाली क्लास होती है रात को 9 बजे, और जो थ्योरी क्लास होती है दोपहर को 12 बजे, उसमें कौन कौन से टॉपिक कराना है आप मुझे बताते चलिएगा, ताकि अपन और जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट कर सकें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।